उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कड़रा धाम व पूरा मुफ्ती कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 11 मोटरसाइकिल, ट्यूबवेल के 2 स्टार्टर व काफी मात्रा में लोहे के सामान बरामद किए गए। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से 2 तमंचा व 1 कारतूस भी बरामद किया गया। एसपी ने प्रेस वार्ता में दिए गए जानकारी में बताया कि पकड़े गए वाहन चोरों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता की माने तो पकड़े गए सभी वाहन चोर प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज व कौशाम्बी जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी की वाहनों को सस्ते दामों में बेचते थे। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। संयुक्त रूप से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। ये इनके पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल की चोरी के पार्ट्स हैं, स्टार्टर हैं, तमंचे आदि इनके पास से बरामद हुए हैं। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है। अधिकतर मोटरसाइकिल जो हैं पास के जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ से चोरी की हैं। ये बहुत सक्रिय थे वाहन चोरी में। शेष जो मोटरसाइकिल हैं उनको लिंक किया जा रहा है और इनपे जो गिरफ्तारी हुई है इनपे हम गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल अंतर जनपदीय गिरोह हैं जो कि आसपास के कई जनपदों में